जीव श्री राधा कृष्ण भैया प्रेम दीना
Sidamasu, Balaadi
प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोदरशत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोदरशत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम बिहार बन ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं। देखो ये करुणा आकर के सब कुछ बिगाड़ दिया इसलिए हर साल कितने धूमधाम से ये परिक्रमा कितना सारे विश्व के लोग आते थे परिक्रमा करने के लिए लेकिन इस साल लेकिन गुरु जी का विशेष कृपा है। अभी आते आते हम बात कर रहे थे केवल हमारे मंदिर को छोड़ करके और कोई भी किसी मंदिर से इस बार कहीं भी ब्रजमंडल परिक्रमा कहीं नहीं निकला है केवल हमारी श्री विशेष गुरु जी का कृपा है और हमारे महाराजों का आशीर्वाद है बन महाराज माधव महाराज विशेष करके ये चीज को रक्षा करने के लिए हर साल हुआ करता था इसलिए इस साल हम भी गुरु जी के अनुगत्य में ये परिक्रमा करें हैं इनके आशीर्वाद से कम हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा कर रही इसलिए गुरु जी की नारायण गोस्वामी महाराज की बन महाराज की माधव महाराज नरसिंह महाराज की इसलिए ये वृंदावन धाम परिक्रमा करना कोई साधारण बात नहीं। ये वृंदावन धाम की इतने महिमा है श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविंदम श्रीमात पराग परमाद्भुत वैभवाया श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये वृंदावन धाम की इतने महिमा ये विहार बन की बोले जहाँ पर पितामह ब्रह्मा भी जहाँ पर प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए जहाँ पर यहाँ के हैं तद भूरी भाग्य मिह जन्म किम अटव्याम जत गोकुल कथमांग्री रजोभिषेकम जहाँ पर पितामह ब्रह्मा जहाँ पर पत्थर जन्म लेना चाहते कहाँ बोले वृंदावन में नहीं वृंदावन का बाहर नीचे जाति के घर को सामने जहाँ ब्रह्मा जी पत्थर जन्म लेना चाहते कहते ब्रह्मेश्वरादि कहते स्वयं भोले बाबा शंकर जी जो जोगी जोगी महाजोगी जो सत्यम शिवम सुंदरम जहाँ पर शंकर भी जहाँ पर गोपी रूपी शंकर जी धारण करते हैं लेकिन गोपियों ने जिनकी चोटी पकड़ कर निकाल देते हैं वृंदावन धाम से जहाँ पर देव देव महादेव जहाँ पर चौकीदारी की काम करते हैं कौन स्वयं शंकर जी जहाँ पर उद्धव जैसे व्यक्ति भी जहाँ पर यहाँ की
दीना गुल्मा लता औषध वृक्ष रूप में जन्म लेने के लिए कौन? बोले उद्धव जी, जो भगवान की इतने प्रिय जो मित्र हैं, हाँ, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं उद्धव तू मेरी जितने प्रिय हो न तथा मैं प्रियतम आत्म ज्योतिर न शंकर, इसलिए मेरे बेटा भी इतना प्रिय नहीं, शंकर भी नहीं, लक्ष्मी भी नहीं, कहते श्री बलदेव प्रभु ने मैं स्वयं भी इतना प्रिय नहीं। जहाँ पर गुल्मलता औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं माता लक्ष्मी, कहते बिहाय कामान सुचिर धृत व्रता, जहां पर वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में प्रवेश करने के लिए जहां पर उन्होंने अभी भी बैठ करके उन्होंने कठोर तपस्या कर रहे, लेकिन आज गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आज हम वह धाम को परिक्रमा कर रहे हैं। किसकी कृपा है? बोले हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का ये आशीर्वाद है। बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जयकार में आनंद नहीं आ रहे। तो भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। इसलिए हम लोग परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर हैं, ये स्थान का नाम है बिहार वन। बिहार वन मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान बिहार करते थे, है? इसलिए ये स्थान गुरुदेव जब यहाँ आते थे, महाराज लोग सब आते थे, कहाँ पर बैठते थे? वहां पर एक सुंदर सा कुंज था, है? वहां पर कुंज था। उस समय तभी धीरे 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 गुरु जी कहते धीरे धीरे वन को धीरे धीरे काट रहे हैं, लेकिन ये संतों का आशीर्वाद है, अभी भी इन लोगों ने ये स्थान को अभी भी गुरुदेव कृपा ये लोग अभी इसको रक्षा कर रहे हैं। और कृष्ण रहते समय जैसे कृष्ण गैया चराया करते थे, अभी भी ये लोग यहाँ पर गैया को पालन कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर देखो जब गुरुदेव आते थे, अभी भी एक तमाल वृक्ष है और एक कदम वृक्ष है, एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष। तमाल वृक्ष कौन है? जैसे कृष्ण काले, ये तमाल वृक्ष भी काले है। राधा रानी जैसे गोरी, ये कदम वृक्ष भी गोरी है। मानो राधा कृष्ण जुगल है, यहाँ पर अभी भी यहाँ पर वृक्ष रूप में अभी भी विद्यमान। जब गुरुदेव आते थे, गुरुदेव तो रमण मंजिर ही है, राधा रानी कृष्ण राधा रानी की, इसलिए गुरुदेव अपना सिद्ध स्वरूप में गुरुदेव जब यहाँ आते थे हर लीला स्तरी में, विशेष करके यहाँ जब आते थे हम वहाँ बैठते थे, बड़े सुंदर कुंज होता था जिसके नीचे गुरुदेव कोशिश करते थे कुंजियों के अंदर में बैठे, वही लीला की उद्दीपना हो। कृष्ण रहते समय जैसे प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयते नवजून द्वंदम अस्मिन मंदम, है? जैसे राधा रानी कृष्ण जैसे कुंज कुंज में कंदरा कंदरा में जैसे लीला करते थे, गुरुदेव कोशिश करते थे जैसे वही उद्दीपना हो। और गुरुदेव क्या करते थे? आकर के अपना ऊपर का वस्त्र उतार करके गुरुदेव साष्टांग प्रणाम करते थे, यहाँ पर जमीन पर लोट बोट खाते थे, हैं? क्योंकि यहाँ का जो वृक्ष है, यहाँ का वृक्ष साधारण नहीं, यहाँ का धूल कणा भी कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे होई। यहाँ के वृक्ष कोई साधारण धूलि कोई साधारण नहीं है। इसलिए ये स्थान का नाम है बिहार वन, जहाँ पर कृष्ण कभी सखाओं को साथ में बिहार करते थे, कभी ब्रज गोपियों को साथ में यहाँ पर बिहार करते थे। इसलिए जो कुंड आप दर्शन कर रहे हो इसका नाम भी बिहार कुंड, जिस कुंड में कृष्ण सखाओं को साथ में कभी कभी सखियों को साथ में कभी यहाँ बिहार करते थे। ये कुंड में कैसे बिहार करते थे? कभी कभी लुकोचोरी कभी कभी खेलते थे, कभी कृष्ण बनते थे चोर, कभी राधा रानी बनती थी चोर। जब कृष्ण चोर बनते थे इतने में राधा रानी जाकर छुपती थी, बोले कहाँ छुपती थी? यहाँ पर मानो श्री जोग माया, हाँ, विशेष करके श्री वृंदा देवी, वो कौन है? कहते भगवान की मधुर लीलाओं को जो पुष्टि करने वाले श्री वृंदा देवी, वो कृष्ण सेवा के लिए चार तरह का कमल फूल खिलता था, रक्त कमल, श्वेत कमल, नील कमल और लाल रक्त कमल, इसलिए चार तरह का कमल खिलता था, जिसमें श्री राधा रानी जा करके जहाँ पर हैं, जहाँ पर पीला कमल हो, हैं, जहाँ पर पीले रंग का कमल हो, राधा रानी का अंग कैसे है? तप्त तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, राधा रानी का अंग एकदम तप तपे हुए जैसे सोने का रंग,
राधा रानी जाकर के उसको अंदर में अपना मुंह ऐसे कर खड़ी हो जाती थी। अभी राधा रानी तो चंद्रमुखी है, राधा रानी चंद्रमुखी, अभी कमल भी चंद्र जैसे, अभी कमल को साथ में राधा रानी का मुख भी मिल जाता था। अभी कृष्ण ढूंढते थे राधा रानी का, राधा रानी का मिलते नहीं थे। जब नहीं मिलते थे इतने में कृष्ण कहते थे, हे राधे मैं हार गया हूँ, अभी बताओ तुम कहाँ पर हो। इतने में राधा रानी कहाँ से कहते, ये कहते पीले कमल को बीच से राधा रानी प्रकट होती थी। अभी राधा रानी चोर बनती है, कभी कृष्ण जाकर छुपते हैं, कहाँ छुपते जा, नील कमल है, और नील कमल में कृष्ण भी नील है, कृष्ण भी अपना मुंह को ऐसे करके खड़े हो जाते थे। और कृष्ण कैसे हैं, इसलिए मैया कुंती कहती हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। भगवान के शरीर में 8 कमल, भगवान के शरीर में नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, सब कमल ही कमल है। इसलिए जब कृष्ण छुप जाते तो अभी राधा रानी ढूंढती थी, अभी राधा रानी को भी नहीं मिलता था, बोलती थी है श्याम सुंदर अब कहाँ प्रकट हो जाओ, कृष्ण नील कमल से प्रकट होते थे। इसलिए ये कुंड का नाम है बिहार कुंड, जहां पर कृष्ण रास को बाद में जिस कुंड में कृष्ण यहाँ पर बिहार करते थे, जहाँ पर इसलिए ये स्थान का नाम बिहार बन है, यहीं पर कृष्ण बिहार करते थे, सखा और सखियों के साथ में बिहार करते थे। जब बिहार करते थे उसी समय में जो ब्रज गोपियां अपना दिव्य नेत्र में अपना घर में बैठी बैठी करके अपना दिव्य नेत्र में दर्शन करते हैं कृष्ण कैसे बिहार करते हैं, और बड़े सुंदर रूप में कृष्ण के रूप को वर्णना करते थे। बले बराहा पिडम नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिसयम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशस्ताद गीत कीर्ति। इसलिए गोपियां अपना दिव्य नेत्र से दर्शन करते हुए वर्णना करते हैं कृष्ण कैसे विहार कर रहे हैं। बोले बराहा पीड़म, कृष्ण के सर के ऊपर में मोर पंख है। बोले मोर पंख क्यों लगाते हैं, कारण क्या, उसमें श्री राधा रानी का नाम उसमें लिखा हुआ है, मानो श्याम सुंदर राधा जी का नाम को पूरा ब्रज मंडल में डिक्लार करते हैं, मैं भी जिनके नाम को अपना सर पर मैं स्वयं धारण करता हूँ। इसलिए और विशेष करके जो मयूर है ये ब्रह्मचारी, इसका तृतीय कारण बताए, जब एक मयूर कब नृत्य करता है, जब आकाश में काला मेघ छा जाए और बिजली चमके घड़गड़ घड़गड़ घड़ शब्द हो तभी क्या होता है, ये मयूर नृत्य करता है। मान कृष्ण का शरीर कैसे है, कृष्ण का शरीर श्याम रंग है, शरीर में जो पीताम्बर कैसे है, विद्युत जैसे चमक रहे हैं, और कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं जैसे घड़गड़ 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 शब्द है, इतने में मयूर तो देख करके थिरक थिरक करके नाचना शुरू कर देता है। अब देखना नाचते नाचते, अभी जैसे कोई नृत्य करता है ना, हम क्या करते हैं 10-20 रुपया लेकर घुमा घुमा कर उसको देते हैं। इसलिए अभी मयूर सोच रहा है कृष्ण को कुछ तो देनी चाहिए, कृष्ण इतने सुंदर बंसुरी बजाए और मैंने नृत्य किया, कुछ देनी चाहिए। बोले मेरे पास में क्या, मेरे पास में तो मयूर पंख का सिवाय कुछ है ही नहीं, इसलिए अपना पंख को झाड़ देता है। और जब मयूर पंख गिरता है ना, और प्रेम का उपहार है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर स्थान देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उठा करके अपना सर पर लगा देते हैं, और उसको बताते हैं मयूर पंख में देखना उसमें इंद्रधनुष है, आकाश में इंद्रधनुष कब पड़ता है, जब बारिश हो एक तरफ में सूरज हो, बारिश हो ना दूसरे तरफ में देखना ये इंद्रधनुष पड़ता है। मयूर पंख में इंद्रधनुष जैसे कृष्ण का केस कैसे एकदम काला रंग जैसे, मानो इसका उल्टा तरफ में इनका मयूर पंख में ये इंद्रधनुष है। इसलिए राधा गोपियां कहती हैं बराहा पीडम बले नटवर बपुहु, भगवान का स्वरूप कैसे है, शंकर जी नटराज है और कृष्ण कौन है, नटवर, नट मतलब शंकर, वर मतलब शंकर का भी जो पति। बोले शंकर का पति कैसे बने, बोले कृष्ण जब रास करते हैं
शंकर जी गोपी बन करके गोपीश्वर महादेव रूप में रास करने जा दर्शन करने जाते हैं। अभी गोपियों का पति कौन है? कृष्ण ही तो हुए ना, इसलिए कहते हैं ये कौन कृष्ण कौन है? नटबर है। इसलिए शंकर जी सोचते थे सबसे बड़ा नाचने वाला मैं हूँ, मेरे से कोई सुंदर नृत्य नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण जब कालियों का सर पर नृत्य किया, हे देख देख रे बोले बावारी, हम तो सोच रहे थे हम तो सबसे सुंदर नाचने वाले, लेकिन भाई सांप का सर पर कौन नृत्य कर सकता है? सारे देवता लोग भी उत्तर करके सुंदर वाद्य बजा रहे थे, लेकिन बाजा नहीं बजा रहे पा रहे थे। कृष्ण इतने तेजी से एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे नृत्य करते थे कृष्ण। इसलिए नटवर बपू बोले करने ओ करनी कारम। कहते कृष्ण दो कान में एक कनियरी फूल लगाते, बोले क्यों? कहते ये अल्हड़ पड़े हैं, कृष्ण जब सखाओं को साथ में मस्ती को साथ में चलते हैं, कभी इधर लेकर के इधर, कभी इधर से इधर, और कनियर फूल देखे हो वो ऐसे होता है। कृष्ण जब नंद भवन में होता है ना, अभी गोपियों को तो बोल नहीं सकते राधा जी को, आज हम इधर गैया चराने जाएंगे बा इधर कुंज बनेगा। अभी कृष्ण जिधर जाते थे ना अपना उस कान में लगा देते, बोले गोपियां इधर आ जा, ऐसे करके अपने कान को इधर कर देते, बोले करनयो करनी कारम, बोले बिभ्रत बास कनक कपिसयम वैजयंती च मालम। इसलिए कृष्ण काले रंग के और उनका शरीर में जो पीताम्बर है अद्भुत रूप में, मानस राधा रानी को प्रति विशेष प्रेम को प्रकाश करते हुए राधा रानी के अंग का जो रंग जैसे वस्त्र को कृष्ण धारण करते हैं, गले में सुंदर फूलों की माला जो गले से लेकर चरण तक कभी सात रंग कभी पांच रंग को धारण करते हैं, और रंध्रान वेणु रधर सुदया क्या कर रहे हैं। गोपिया कभी कभी कहती है भैया, राधा रानी कहती है इसी जीवन अगली जीवन में तो मैं और राधा ही नहीं बन करके आऊंगा, आऊंगा तो मैं क्या बन करके आऊंगा? बंसुरी बन करके आऊंगा। देखो ये बंसुरी ने क्या सौभाग्य किया है, कभी कमर में कभी अधर में कभी हाथों में, ये बंसुरी को कभी कृष्ण छोड़ते ही नहीं है। चलो पूर्णवासी को पूछेंगे ऐसे क्या उसने तपस्या की कृष्ण जिसको कभी छोड़ते नहीं, मैं भी अगली जीवन में बंसुरी बन करके मैं आऊंगी, और अधर सुधया सारे अधर रस को कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण का अधर में किसका अधिकार है? हमारी अधिकार, लेकिन हमारे अधिकार को ये बंसुरी जोर जबरदस्ती हमको दिखा दिखा करके, अंगूठा दिखा दिखा करके कृष्ण का सारे अधर रस को कौन पान कर रहा है? ये बंसुरी पान कर रहा है। कृष्ण का अधर कैसे? बिंबाधर। लेकिन देखो ये सारे रस को पी पी करके कृष्ण का अधर कैसे नील हो गया, सारे रस को यही पी रहे और क्या कर रहे हैं? अधर सुधया किसमें दे रहे? बोले बंसुरी में। कृष्ण सिखा देते हैं अगर कोई बंसी बन जाए ना फिर तो कृष्ण का अधर सुधा पान कर सकते हो। बंसी में दो गुण है, पहला गुण तो वो खाली, दूसरा गुण क्या बंसुरी में? कहते हैं कृष्ण जैसे चाहते हैं उसमें वैसे ही बजती है। अगर हमारे अंदर में अगर ये दो गुण आ जाए ना, हृदय को अगर खाली कर दे, लेकिन हम तो ऑलरेडी हृदय को भर करके रखे हैं अपना कामना वासना से, इसलिए कन्या हमें बंसुरी कैसे हो जाएगी? इसलिए सारे अधर सुधा को किसमें पान करा रहे हैं? ये बंसुरी को ही है, उसके अंदर में सारे रस को, ये बंसुरी सारे रस को यही पान कर रहे हैं है? इसलिए कहते वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तद गीत कीर्ति। इसलिए कृष्ण जब बिहार वन में बिहार करते हैं, यहाँ पर जब कृष्ण थोड़ी सी बड़े होते हैं तब कृष्ण यहाँ आते हैं, इसलिए कहते हैं वृंदावनम सखी वो बितनौती की कीर्ति जब देव की सुत पदाम भोज पाद लक्ष्मी। इसलिए कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े होते हैं, जब कृष्ण चलते हैं उनका चरण वृंदावन धाम में पड़े पड़ने पर कृष्ण का चरण में उन्हें से चिन्ह है, इसलिए वृंदावन धाम अपना हृदय में कृष्ण का चरण को धारण करते हुए, उनके चरण में जो उड़े से चिन्ह को धारण करते हुए अपना जीवन को धन्याति धन्य मानती हैं। इसलिए कहते जो घास नहीं मानो कृष्ण का स्पर्श चरण स्पर्श से रोंगट खड़े हो जाते, कहते झरना नहीं कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके मानो उनकी आंखों से अश्रु की झरी बह रही है। इसलिए कहते अपना जीवा का निकाल देती है गिरिराज गोवर्धन है, अपना जीवा को ऊपर में अपना चरण को आप स्थापन करो। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं सखा लोग कृष्ण की बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय करते हुए वृंदावन धाम में और दो मिनट यहाँ पर एक खेलन बने पास में, ये खेलन बने में
यहीं पर कृष्णा राधा जी को साथ में खेलते थे। खेलते समय अभी उनका जो सांस और ननंद कौन है, जटिला और कुटिला। जटिला मतलब क्या, जो जट पकाते हैं, कुटिला मतलब जो कुट 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 करती है हर समय। क्या बात है, कहाँ गई थी, इतना देर की हुई हो है, इसलिए हर समय राधा रानी का नाम पर बदनामी करती थी। ये दो चारिणी इसके चरित्रहीन, ये दूध दही मक्खन बेचने का बहाना से जाती हैं और जाकर कृष्ण को साथ में खेलती रहती हैं। अभी पूरा ब्रज मंडल में जटला कुटला तो पूरा राधा रानी की बदनामी करवा दिया। इतने में राधा रानी श्याम सुंदर से बोले, श्याम सुंदर ये जटला कुटला तो मेरे नाम पूरा पूरा बदनामी करवा दिया, ये दही बेचने का बहाना से जाकर पता नहीं कृष्ण को साथ में ये लीला करती है श्याम सुंदर, अभी मैं क्या करूं। इतने में कृष्ण बोले, कोई चिंता मत करो, पूरा ब्रज मंडल में मैं स्थापन कर दूंगा, अगर ब्रज में कोई एक सती हो तो कौन है सती, श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण ने बहाना बनाया, क्या बहान, सर दर्द और बुखार की बहाना बनाए। इतने में नंद बाबा वैद्य को बुलाए, लेकिन बीमारी सही नहीं हुए, तब उन्होंने पौर्णमासी को बुलाए, हैं पौर्णमासी सारे लीला को पुष्टि करने वाले, तो पौर्णमासी कृष्ण के सारे लीला को, पौर्णमासी बोली कृष्ण का बुखार सही हो सकता है अगर ब्रज में कोई सती नारी हो, जिसमें हजार छेद हो जिस कलश में, और वो कलश में जो सती होगी ना केवल वही उसमें पानी भर सकती है, सब उसमें पानी नहीं भर सकती है, अगर वो पानी में कृष्ण को अभिषेक किया जाए कृष्ण सही हो जाएंगे। अभी तो सारे जितने ब्रज में सबको तो डमाडोल होने लगे, कौन सती होगा आज इसमें इतना छेद है उसमें पानी भरेगा, ये कोई साधारण बात है, और सबके सब एकत्रित हो गए। इतने में बोले पहला नंबर ये जटला कुटला, क्योंकि ये राधा रानी का नाम पर बदनामी करती है और कहती है ब्रज में अगर सती हो ना, हम माँ और बेटी ही सती और सबके सब असती है, पहले इनकी नंबर आएगा। अभी जटला कुटला को नंबर आई, जब उन्होंने गए और उन्होंने पानी डुबाया जमुना में और उन्होंने उठाया उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहा, सबके सब पानी निकल गया। और जितने ब्रज में थे बोले सबसे बड़े असती ये जटला और कुटिला। अभी कोई भी हिम्मत नहीं हुआ, इतने में श्री राधा रानी को बुलाए, जब राधा रानी को बुलाए तब श्री राधा रानी श्याम सुंदर का नाम लेकर के बोले, हे श्याम सुंदर, अगर मैं तेरे सिवाय अगर हृदय में और किसी को मैं स्थान नहीं देती हूँ, इसलिए ये पानी जैसे नहीं गिरे। जब राधा रानी कृष्ण का नाम को लेकर के उन्होंने डुबाया और वहां से उठाया ना, उसमें एक बूंद भी पानी उसमें नहीं निकला, पूरा पूरा पानी भर रहा। और जितने ब्रजवासी से जोर से ताली बजाए बोले श्रीमती राधा रानी जय। और उसी पानी से श्री श्याम सुंदर का स्नान कराया गया, फिर राधा कृष्ण का बुखार सही हुआ। इसलिए यहाँ पर ये खेलन बने हैं और इसको पास में यहाँ पर और एक बन तप बने हैं। कभी गुरुदेव, जब हम नया पहले आया था उस समय गुरुदेव भी हम लोगों को लेकर माधव महाराज बन महाराज ये उमा दीदी थी वहां पर, गुरुदेव ने हम लोगों को लेकर के वहां पर एक गाड़ी करके लाए थे। ये पास में ही तपोवन है जहां पर ये गोपियां, वहां पर उन्होंने तपस्या की थी, तपस्या करके है नहीं कथाएं तो अलग है, तपोवन अलग तपोवन है जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, जहां पर कृष्ण प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था। उसको पास में और एक स्थान अभी भी वो बटवृक्ष वहां पर विद्यमान है, वो स्थान का नाम रण भूमि कसरत। जहां पर कृष्ण के साथ में राधा रानी की कसरत जहां पर किया था, जहां पर मल्ल युद्ध किया था वहीं पर, अभी भी बटवृक्ष वहां पर है। इसलिए कृष्ण कभी सखाओं को साथ में खेल रहे थे, ललिता विशाखा आई बोले क्या कर रहे हो, बोले हम कसरत यहाँ पर मल्ल युद्ध कर रहे हैं, बोले मल्ल युद्ध ये किसी महापुरुष को वीर पुरुष को होता है, गैया चराने वाले डोलने वाले तुम क्या कसरत करते हो, क्या मल्ल युद्ध करते हो। सखाओं ने कहा ज्यादा तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो, जानते हो हमारे खलीफा लीडर कौन है, बोले कृष्ण, बोले जानते हो हमारे लीडर कौन है, बोले श्री कीश्वरी राधा रानी, हो जाए दोनों के अंदर में है, देखते हैं आज कौन जीतता कौन हारता है। इतने में कृष्ण महफिल में खड़े हुए, जब कृष्ण सुनने लग गया राधा रानी को साथ में मेरी कसरत यहाँ पर मल्ल युद्ध होगा, हे राधा रानी नाम सुनते ही तो कृष्ण कांपने लग गए। कृष्ण ने मधुमंगल कहे कन्हैया ये क्या कर रहे हो, अभी हमारे लीडर तू अगर तू हार गया ना हमारी नाक कान कट जाएगी, इसलिए अभी तो राधा रानी उनका लीडर तो आया नहीं, तू पहले राधा जी का नाम सुनते ही कांपने लग गया। बोले पता नहीं
राधा जी का नाम सुनते ही पता नहीं मेरे अंदर में क्या होने लग जाता। बोले ठीक से खड़े हो, ठीक से खड़े रहो। इतने में कृष्ण तो कांपना, केवल राधा रानी निकली और निकल करके एक बार केवल उन्होंने अपना तिरछी चितवन से कृष्ण को दर्शन किया। ए, दर्शन करते ही वहीं पर कृष्ण लुढ़क गए वहीं पर। इसलिए कहते ना, बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। केवल राधा रानी की एक कृपा कटाक्ष से ही श्याम सुंदर गिर पड़े वहीं पर, और जितने वहां पर सखिया थी ना, बड़े जोर से ताली बजाए। अब लोग सखिया नहीं हो कहते ना, कसरत स्थान है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान है जो कि गुरु वैष्णव को अनुगत्य में, अगर माधव महाराज का आशीर्वाद होगा तो एक बार वहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी परिक्रमा हर साल 15-15, 20-20 बस होती थी, इसलिए वहाँ नहीं जा पाते थे। बार एक बस है वो जा सकती हो, उसको पास तक वो जा सकती है, है? वो पास में ही सब कुछ है, है? एकदम पास पास में स्थान है। शायद ये कोई गए नहीं, छोटी छोटी गाड़ी तो चली जाती है, अगर इनका आदेश हो इस बार इनकी कृपा से दर्शन कर सकते भक्त लोग। बस पास में चली जाते ना, देखो ना अपने देश चेष्टा करने के। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। ऐसे बोलते भूखे भजन न है गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। सबको भूख भी लगी है और अधिक देर करेंगे तो बोला दूसरे स्थान जाएंगे भी नहीं। और क्या है, अभी जो लोग जमुना में आचमन नहीं किया है, हम लोग चिरघाट जाएंगे, उधर आचमन कर लेना। जमुना के एक श्लोक सुना देता हूँ, उसके बाद प्रसाद दिया जाएगा। हाँ, इस नहीं बोलेंगे, श्लोक सुना देता हूँ। इस श्लोक का रहस्य आप लोग उमादेवी से सुन लेना। बता, परस्त्री दर्शने पुण्यम, स्पर्शने पापनाशनम, चुंबने परमानंदम, आलिंगने मोक्षदायकम। सुनो नतुन, ये तो नतुन श्लोक दर्शन करने पर पुण्य होता है, और स्पर्शने पापनाशनम, पराया स्त्री को स्पर्शन करने पर पाप नष्ट हो जाता है। चुंबने परमानंदम, पराया स्त्री को चुंबन करने पर आनंद होता है, और आलिंगने मोक्षदायकम, आलिंगन करने पर मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष अर्थात कृष्णांग्रि लाभ मुक्ति, कृष्ण के पाद पद्म मिलती है। ये कैसे है, इसे दो है, एक है गंगा एक जमुना है। ये कौन है, कृष्ण की प्रिया है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। क्या होता है, जमुना या गंगा को दर्शन करने पर क्या होता है, दर्शने पापनाशनम, पापनाश तो पवित्र हो गया। स्पर्शने पापनाशनम, पहले पुण्यम, परस्ती दर्शने पुण्यम, क्योंकि पवित्र होते हैं। स्पर्शने पापनाशनम, स्पर्श करने पर पापनाश। चुंबने परमानंद, अर्थात आचमन करने पर आनंद होता है। आलिंगन, डुबकी लगा के स्नान करो, क्या होगा, कृष्ण धाम प्राप्त करोगे। और ब्रज में क्या हुआ था, ब्रज गोपिया चिरघाट में स्नान करके कात्यायनी व्रत किया था, उन्मादी या सब ब्रज गोपिया स्नान करेगी, उधर दो प्रसाद दो।